नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पीथमपुर औद्योगिक नगरी हिंदू सनातन सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक व्यास एवं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौरे के निर्देशों पर गरीब एवं विकलांग बच्चों को भोजन कराया जा रहा है। संगठन का कहना है कि हमसे जो भी सहायता हो उतनी हर पल करनी चाहिए। हिंदू सनातन सेवा संगठन के सदस्य बलराम आचार्य के द्वारा गरीब एवं विकलांग बच्चों को महू राहू पीथमपुर इंदौर जगह जगह पर भोजन कराया जा रहा है। संगठन के कार्यकर्ता बलराम आचार्य ने बताया कि जहां कहीं भी गरीब एवं विकलांग बच्चे हैं उन तक मैं स्वयं भोजन बनाकर पहुंचाता हूं और उनके साथ में कुछ पल भी बिताता हूं। हिंदू सनातन सेवा संगठन के सभी पदाधिकारियों ने इस नेक कार्य के लिए बलराम आचार्य का आभार व्यक्त किया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक व्यास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र पगारे, राष्ट्रीय महासचिव अमित कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत अवस्थी, प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश कुशवाहा, प्रदेश सचिव जय ठाकुर, प्रदेश मंत्री राकेश भंडारी, तहसील अध्यक्ष सुनील पटेल, जिला अध्यक्ष शुभम वैष्णव, जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह राणा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौरे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति अटारिया, जिला अध्यक्ष कृष्ण मालवीय, जिला सह सचिव रुक्मणी सामले, तहसील अध्यक्ष हेमलता रायकुवर, तहसील सचिव रीना पथारिया, सभी ने आभार व्यक्त किया। जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश पीथमपुर से संदीप सिंह राणा की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।